आज हम एक नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। ये देखिए, हमने ये 6 कली में बनाया हुआ है। देखिए, ये हमने मल्टी कलर में बनाया है। 6 कली हमने अलग अलग कलर से बनाई हुई है। ये देखिए, हमने इसको 32 फंदे से बनाया हुआ है। देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये 32 फंदे का भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, क्योंकि हम 32 फंदे से बनाते हैं। तो इसमें देखिए, जितना फंदे का बनाते हैं उसका आधा फंदा इसमें यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये टोटल जो 48 फंदे का हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी बड़ा है। देखिए, कैमरे में नहीं आ पा रहा है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। देखिए, आपके पास जो थोड़ी थोड़ी पट्टी बची है उससे आप सभी कली अलग अलग कलर से ऐसे ही बना सकते हो। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली हुई है। साड़ी से मैंने 1-1 इंच की ये पट्टी निकाल रखी है। आप चुन्नी या आपके पास ऊन पड़ा है तो आप ऊन से ही बना सकते हो। कोई कपड़ा है आप उससे ही बना सकते हो। मैक्रेम से बनाना चाहो तो आप मैक्रेम से ही बना सकते हो। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए, एक नॉट से फंदा हो गया। फिर इस तरह से देखिए, इस तरह से क्रॉस कराते हुए ये फंदा डालना है। तो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये देखिए 32 फंदे का भी काफ़ी बड़ा बनता है। इसी तरह से आप 2 के मल्टीपल से जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप उतने फंदे डाल सकते हो। फंदे 2 के जोड़े से डालने हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें 32 फंदा हमने डाल लिया है। अब सभी फंदों को उल्टा उल्टा पहले पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई जो है आराम से बनाते हैं। यदि आपको फंदा डालना आता है तो आपको जैसे फंदा डालना आता है आप वैसे डाल सकते हो। फंदा डालने का ये तरीका सबसे आसान है। जिसको फंदा डालना नहीं आता वो भी इस तरह से फंदे डाल सकते हैं। आप यहीं से एक फंदा छोड़ करके बना सकते हो, या हम इसको ये पूरी सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए, हमने ये पूरी सिलाई बना ली है। अब यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे डिजाइन। एक उल्टे की रो आप बना करके भी डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो, या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने उल्टे की एक रो बना ली है, अब यहाँ से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, एक एक फंदा हमें इस साइड से बढ़ाना है। तो ये फंदा बढ़ाने का तरीका जो है वो सबसे आसान है। इस वजह से मैं यही बता रही हूँ, पट्टी को सिलाई के ऊपर से लपेटते हुए इस तरह से हमें फंदा बढ़ाते जाना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पर एक फंदा छोड़ देंगे। हमें इसमें नीचे एक साइड से एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो देखिए, एक फंदा हमने छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड से हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो इस साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा पहले बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो फंदा बढ़ा हुआ है इसको भी हम बुन लेंगे उल्टा ही। ये देखिए, बढ़ा हुआ फंदा है, इसको भी इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से हमने बना लिया है। और फिर यहाँ पे देखिए, इस तरह से सिलाई के ऊपर पट्टी को लपेटते हुए हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये एक फंदा बढ़ गया। तो देखिए, एक फंदा बढ़ गया, एक ये हो गया, 2 फंदा हो गया।
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, इसमें फ्रेंड्स जब तक हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे तब तक ये 32 का 32 फंदा रहेगा, क्योंकि एक फंदा जो हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाता है, तो ये 32 का 32 फंदा ही रहेगा, ये फंदा कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कम होता है तो यहाँ से वो फंदा बढ़ जाता है। अब ये देखिए, पहले हमने एक फंदा छोड़ा था, इस बार एक और फंदा हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो इस तरह से हमने दो फंदा छोड़ दिया और यहाँ पर दो फंदा बढ़ा लिया। अब इधर साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे ये जो फंदा बढ़ाया है इसको भी उल्टा ही बुनेंगे। फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो, मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अगर पूरी आप देखोगे तो आपको पायदान बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, इधर से सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे फिर पट्टी को लपेटते हुए सिलाई के ऊपर इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, अब इस तरह से एक एक करके यहाँ पे ये देखिए तीन फंदे बढ़ गए हैं। एक एक करके हमने तीन बार, ये तीसरी बार फंदा बढ़ाया तो एक एक करके ये तीन फंदे बढ़ गए। तो ये देखिए, एक, ये देखिए एक, दो, तीन और ये चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस। ये देखिए, जब तक यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से एक एक छोड़ते रहेंगे तो ये 32 का 32 फंदा ही रहेगा। तो ये देखिए, एक एक करके हमने यहाँ तीन बार फंदा बढ़ा लिया है और एक एक करके एक, दो, तीन, हमने ये तीन फंदा छोड़ दिया है। इसी तरह से हमें यहाँ पे 16 फंदे बढ़ा लेने हैं और एक एक करके 16 फंदे छोड़ देंगे। आधा इसमें 32 फंदा हमने डाला है, जितना भी आप फंदा डालोगे उसका आधा फंदा छोड़ना होता है। तो जैसे हमने इसमें 32 फंदे डाले हैं तो इसका आधा 16 फंदा छोड़ देंगे और ये 16 फंदा रह जाएगा। फिर आगे क्या करना है मैं वो आपको बताऊंगी। तो इस तरह से एक एक करके यहाँ पे 16 फंदे छोड़ लेती हूँ और एक यहाँ पे एक एक करके 16 फंदे में बढ़ा लेती हूँ। इतना करने के बाद फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके हमने यहाँ पे ये 16 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। ये देखिए, एक एक करके हमने यहाँ तक 16 फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये हमारे टोटल फिर 32 फंदे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एक करके फंदे बढ़ा दिए हैं। ये एक एक करके 16 फंदे छोड़े हैं तो 16 फंदे यहाँ पे बढ़ गए, तो ये टोटल यहाँ पे 32 फंदे हैं, ये 16 फंदे छोड़ने के बाद भी। अब ये देखिए, यहाँ से थोड़ा चेंज है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। अब तक तो हमने क्या किया था, एक एक करके फंदे बढ़ाए थे, अब हमें एक एक करके फंदे घटाना है। ये देखिए, दो फंदे एक साथ हमने लिए और इनको बुन दिया। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये
एक फंदा ये देखिए, ये एक फंदा यहाँ पे घट गया, बाकी देखिए दो तीन और ये देखिए 30 फंदे हमने बना लिए। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जब हम फंदे बढ़ाते हैं इधर साइड से और इधर साइड से जब एक एक फंदे छोड़ते हैं तो बीच में ये 32 का 32 फंदा ही रहता है। जितना फंदा आप डाले रहोगे, जैसे हमने इसमें 32 डाले हैं तो 32 फंदे थे, आप इससे कम ज़्यादा जितना ही फंदा डालोगे, आप 40 फंदे डाल रहे हो तो 40 फंदा रहेगा जितने भी फंदे आप डालोगे, क्योंकि एक फंदा यहाँ पर घटता है, यहाँ पे एक फंदा छोड़ते हैं तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाता है। जब हम यहाँ पे फंदे घटाना शुरू करते हैं तो हर बार दो दो फंदे कम होते जाएंगे, क्योंकि एक फंदा यहाँ से छूट जाएगा और एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा, जो बढ़ रहा था वो अब एक एक फंदा कम होगा। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक एक फंदे, जो जब हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, जब भी एक एक करके हमने यहाँ पे फंदे छोड़े तो आधे फंदे हमने छोड़ लिए, जो आधे फंदे रह जाएंगे वो हम यहाँ पे एक एक घटाएंगे तो यहाँ एक एक फंदे, वो आधे फंदे जो रहेंगे वो छूट जाएंगे। तो हमने एक एक करके यहाँ पे 16 फंदे छोड़ लिए थे, अब जो 16 फंदे हैं उनको भी हम नीचे से एक एक करके छोड़ते जाएंगे। सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो फंदे बढ़ रहे थे अब वो एक एक करके यहाँ पे फंदे घट जाएंगे। तो अब ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ पर छोड़ दिया, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16 फंदे हमने ये जो बढ़ाए थे फंदे, जब तक हमने यहाँ पे जब फंदे बढ़ाए थे तो एक एक करके छोड़े थे, अब एक फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया तो एक फंदा ये छोड़ दिया, तो ये 17वां फंदा हमने छोड़ दिया। अब यहीं से पलट जाएंगे, इस साइड हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है, तो ये सभी फंदे हम उल्टा बुन लेते हैं इस साइड से। ये देखिए हमने इधर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। अब ये देखिए जैसे हमने पहले एक फंदा घटाया था वैसे ही दो का एक करते हुए, ये देखिए हमने दो फंदा ये ले लिया, एक और दो, अब ये देखिए एक और दो, हमने दो फंदा ले लिया, अब इनको एक साथ बुन देंगे तो एक फंदा घट जाएगा, ये देखिए दोनों को एक साथ बना दिया, देखिए एक फंदा बचा, तो पहले एक फंदा घटा हुआ था यहाँ पे, पहले एक फंदा घटा था, एक फंदा और घट गया, तो इस तरह से यहाँ पे दो फंदे घट गए। तो देखिए 2, 3, 4, 5 एक फंदा यहाँ पे ये छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे, तो इस तरह से एक फंदा यहाँ से एक फंदा घट रहा है और एक यहाँ से छोड़ रहा है, तो हर बार दो दो फंदे कम होते जा रहे हैं। 32 था तो उस बार 30 फंदा हो गया, अब 28 फंदा हो गया, तो इसी तरह से हमें हर बार एक एक फंदा यहाँ छोड़ना है और एक एक फंदा यहाँ से घटाते जाना है। अब इस साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए एक बार मैं और आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए दो फंदे हमने ले लिए, देखिए एक दो, दो फंदा लिया, इसको एक साथ बुन दिया, ये देखिए तो एक फंदा बच गया, तो इस तरह से यहाँ पे ये तीन फंदे घट गए, इसे देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस। ये देखिए, फिर एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरह से हर बार दो दो फंदे कम होते जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो 16 फंदे पहले छोड़े थे और जो बचे हुए 16 फंदे थे, इन सभी 16 फंदों को छोड़ लेते हैं और एक एक करके जितना ये 16 फंदे हमने बढ़ाए थे सभी को हम घटा लेते हैं। इतना बनाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या। ये देखिए, एक एक करके हमने सभी फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ पे 4 फंदे बचे हुए हैं। तो ये देखिए, इधर साइड से हम इन फंदों को अभी उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से ये एक फंदा घटा देंगे, तो 2 का 1 करते हुए। ये देखिए, फिर ये एक फंदा आगे से बुन लिया, ये 2 फंदा बुन लिया, एक छोड़ दिया। अब ये देखिए, 2 फंदा बचा हुआ, एक फंदा हमें छोड़ना है, एक फंदा हमें घटाना है। तो अभी साइड से इन दोनों फंदों को बुन लेते हैं पहले। ये देखिए, अब ये 2 का 1 करते हुए हम इसको घटा देंगे। ये देखिए, तो ये जो एक फंदा हमारा इधर से छोड़ना था वो फंदा हो गया, घटाने वाला फंदा घट गया। तो ये देखिए, जैसे हमने एक एक करके 16 फंदे बढ़ाए हुए थे, वो एक एक करके हमने सभी 16 फंदों को हमने घटा दिया है। ये सारे 16 फंदे घट गए। अब जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये 32 फंदे डाले थे, अब वो 32 फंदे हमारे पास बच गए हैं। तो ये एक एक करके जितने भी फंदे हमने छोड़े हैं, अब इनको सभी को हमें बना लेना है। तो ये देखिए, एक फंदा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब ये देखिए, यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी लगानी है, तो इस फंदे को नहीं बुनेंगे, ये पीछे कर देंगे। ये देखिए 32, नहीं तो होल बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एक कली बन करके तैयार हो गई। देखिए, ये काफ़ी बड़ी है। अगर आप इतने फंदे का बनाओगे तो आपका पायदान काफ़ी बड़ा बन के आएगा, क्योंकि ये टोटल 48 फंदे इसमें हो गए हैं, तो 48 फंदे का पायदान काफ़ी बड़ा बनता है। अब देखिए, यहाँ से हम दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे, तो यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से दूसरे कलर की पट्टी को हम लगा लेंगे। ये देखिए, और इसका ये जो किनारा है, इसके बीच में ले करके इसको लपेट देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे, तो ये बाहर को निकलेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए, अब सभी फंदों को हम ये दूसरे कलर की पट्टी से सभी फंदों को, जितने 32 फंदे हैं यहाँ तक, इनको सभी को हम बना लेंगे। दूसरे कलर की पट्टी हम हमेशा उल्टे साइड से लगाते हैं, तो ये देखिए, इसका ये उल्टा है, इधर से हमने ये पट्टी को लगा लिया है। ये देखिए, ये सभी फंदे हमने इस कलर की पट्टी से बना लिए, जितने ये 32 फंदे थे उनको हमने इस कलर की पट्टी से बना लिए। अगर आप इतने फंदों का बनाओगे तो 2 साड़ी में ये बन करके तैयार हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा बड़ा बनाते हो तो उसमें और भी ज़्यादा साड़ी लगेगी। तो ये देखिए, फिर जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये कली, यहाँ पे फंदा बढ़ाना, वैसे ही अब हम यहाँ पे भी फंदे को बढ़ाएंगे। ये देखिए, पट्टी को सिलाई के ऊपर से इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया है। तो ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये देखिए एक फंदा यहाँ पे हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे, जैसा हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जब तक यहाँ पे फंदे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ से एक एक छोड़ेंगे तो जितने फंदे डाले रहेंगे उतने ही फंदे रहेंगे, क्योंकि एक फंदा यहाँ से छूटेगा तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। जब इसके बाद यहाँ पे जब आधी कली बन जाएगी तो एक एक फंदे जब यहाँ से घटाना शुरू करेंगे और यहाँ से छोड़ना शुरू करेंगे तो हर सिलाई में दो दो फंदे कम होते जाएंगे। तो अब ये देखिए इसी तरह से अब हमारे यहाँ पूरा एक फंदा छोड़ने के बाद भी पूरा ये 32 फंदा है। अब इधर साइड से उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। फिर वापस यहाँ पे देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए पहले एक फंदा बढ़ा था यहाँ पे, पहले एक फंदा बढ़ा था, अब एक फंदा और बढ़ गया तो यहाँ पे ये दो फंदे हो गए। बाकी सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। देखिए एक फंदा हमने पहले छोड़ा था, एक फंदा और छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से ये भी कली बनेगी, जैसे हमने यहाँ पे ये कली बनाया था वैसे ही एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। आधे फंदे तक एक एक फंदा छोड़ लेंगे, फिर जब आधी कली हो जाएगी यहाँ तक आधी कली बन जाएगी तो एक एक फंदा यहाँ से घटाते जाएंगे और यहाँ से जैसे एक फंदा छोड़ते हैं वैसे सब जितने 32 फंदे हैं सभी को एक एक करके हम यहाँ से छोड़ लेते हैं। नीचे से जो ये हमने फंदे छोड़े हैं ये 32 तक छोड़ देते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 16 फंदे तक हमें एक एक फंदा बढ़ाना है और फिर जब 16 फंदे रह जाते हैं तो उसमें हमें एक एक करके फंदा घटाना है, छोड़ना हमें सभी 32 फंदे के 32 फंदे हमें छोड़ने हैं। तो ये देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। तरीका सेम है, चाहे आप छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, इससे भी ज़्यादा फंदे लेकर के आप बना सकते हो, लेकिन तरीका यही सेम रहेगा। 2 के मल्टीपल से आपको फंदे लेने होंगे। आप कितना भी, जैसे हमने 48 का बनाया है, आप इसको 50, 60, 70 जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 कली पूरी बना करके तैयार कर ली है और सभी हमने अलग अलग कलर से बनाए, मल्टी कलर से। जैसे थोड़ा थोड़ा आपके पास गोला बच जाता है तो आप उससे इसको बना सकते हो। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरी मैंने कली बना दी है, लास्ट में ये फंदे बंद करना है। अब वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे फंदे बंद करते हैं। देखिए अलग अलग कलर में भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 का 1 करते हुए फंदा बंद करना है और सिलाई भी एक जगह ही करनी है सिर्फ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिलाई करने का एक अलग तरीका बता रही हूँ। तो ये देखिए इसको उल्टा कर लेंगे, जब ये 2 का 1 बंद करेंगे इसी के साथ ही हम इसको भी सिलते जाएंगे। तो ये देखिए इसमें से हमने ये फंदा उठा लिया और ये देखिए 2 फंदे का हमने 1 कर लिया। ये देखिए एक फंदा बचा, वापस इसको सिलाई में डालने से पहले यहाँ से एक फंदा ये उठा लेंगे, इस साइड से जो है इसका एक एक फंदा उठाते जाएंगे। और ये देखिए फिर इसका ये आगे से एक फंदा ले लेंगे और ये जो उठाएं तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा आराम से करना होगा इसको, तो ये साथ साथ सिलता जाएगा। ये देखिए फिर यहाँ से एक फंदा उठा लिया यहाँ से, ये देखिए, और इसको वापस सिलाई में डाल दिया। तो जो ये उठाया है फंदा और आगे से एक फंदा, ये तीनों को एक साथ बुन देंगे। ये देखिए फिर एक फंदा बच गया, यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे, ये देखिए, और इस फंदे को वापस सिलाई में डाल देंगे और आगे से एक फंदा ले लेंगे, फिर इन तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये ऐसे सिलता जाएगा। ये देखिए फिर यहाँ पे सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये देखिए सिलता जा रहा है। तो इसी तरह से हर बार एक एक फंदा यहाँ से उठाते जाएंगे, जो हमने फंदा ये देखिए ये फंदा डाला है उसमें से, और ये देखिए इस फंदे को वापस सिलाई में डाल दिया और आगे से एक फंदा हमने ले लिया। ये देखिए अभी तीनों को एक साथ बना देंगे।
ये देखिए एक फंदा बच गया। फिर यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे और इसको वापस सिलाई में डाल देंगे, तो तीन फंदे का एक इस तरह से करते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से सभी फंदों को पूरे लास्ट तक बंद कर देंगे। ये कितना आसान है इसको बंद करना। ये देखिए इस तरह से ये सिलता भी जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सिलाई होती जा रही है, इसके साथ जुड़ता जा रहा है, अलग से हमें सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सिलने का कितना आसान तरीका है। इसी तरह से हर बार एक एक फंदा यहाँ से लेते जाएंगे और साथ में सिलते जाएंगे इसको। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ तक सिल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बंद करने से ये बिल्कुल बराबर आएगा, ना कोई लूज होगा और ना ही टाइट होगा, क्योंकि जितने फंदे हमने यहाँ पे डाले हैं उतने ही फंदे हमने यहाँ पे जब बंद किए थे तो ये फंदे भी हमारे पास उतने ही थे, तो ये बिल्कुल बराबर बनता है। और देखिए दोनों साइड से बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन करके आती है उल्टे साइड से भी, देखिए। और इसमें सुई धागे की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और सीधे साइड से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने कहाँ फंदे बंद करे हैं। देखिए जरा भी इसमें पता नहीं चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है, छह कली का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये 32 फंदे का भी काफ़ी बड़ा बन गया है, क्योंकि ये जितना हम फंदा डालते हैं उसका आधा फंदा यहाँ पे भी बढ़ जाता है, तो ये 48 फंदे हो जाता है, तो काफ़ी बड़ा बन गया है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।